इस वीडियो में हम देखेंगे अगर मास्टर इको मिल्क एनालाइजर में पंप में कोई इशू आ रहा है तो हम इसको ओपन करेंगे पंप इशू ठीक करने के लिए। यहाँ पर हम इसको बैक साइड पर रखेंगे। यह है हमारा पंप। इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो ये है कि ये जो ब्लैक वाली पाइप आपको इसके अंदर दिख रही है, ये वाली जो पाइप है इसके अंदर ये ब्लैक वाली, ये घिस जाती है पंप पे रगड़ रगड़ के। इस पाइप को हम ऑब्जर्व करेंगे अभी। इस पाइप को एक्सेस करने के लिए ये जो दो नट हैं ये हम खोलेंगे। ये बाहर निकाल लेंगे। ये पाइप जो है इसको एक्सेस करने के लिए ये जिप टाई जो है हम इसको तोड़ देंगे। ये जिप टाई तोड़ने के बाद यहाँ पर एक न्यू ब्लैक कलर की पाइप लगाएंगे, एकदम टाइट जैसे लगी हुई है उसमें जिप टाई लगाएंगे और जिप टाई से इसको एकदम टाइट कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस मशीन के अंदर। जिप टाई लगाने के बाद ये अच्छे से यहाँ पे जो जिप टाइज है अच्छे से लगा के ये ब्लैक वाली पाइप को रिप्लेस करके अच्छे से एकदम टाइट लगा के इधर से और इधर से हम ये वाला जो पंप है इसका ढक्कन ऐसे लगा देंगे। इसके बाद जो हमने नट खोले थे इनको हम वापस से एडजस्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अगर कोई और फॉल्ट है पंप में उसको ठीक करने के लिए, जो कि मेजर फॉल्ट आती है अगर जो मोटर है वो जाम हो जाती है, उसके लिए आपको पीछे से इस पंप की मोटर जो है वो एक्सेस करनी पड़ेगी। इसकी मोटर को एक्सेस करने के लिए पहले मैं नट को वापस लगा दूंगा। ये वाले जो 1, 2, 3 एंड 4 ये वाले जो कॉर्नर्स वाले नट हैं इनको हम पीछे से देखकर या तो स्क्रू ड्राइवर से ऐसे ओपन कर लेंगे। ऐसे और ऐसे, और जो ऊपर वाले दो हैं इनको हम स्क्रू ड्राइवर से क्योंकि ओपन नहीं कर सकते तो हम यहाँ से इनके नट को ओपन कर देंगे प्लास से। ये वाले और ये वाले ये हम प्लास से ओपन कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा, यानी कि जो पीछे वाली मोटर है एक्सेस कर पाएंगे। ये मोटर एक्सेस करने के बाद मोटर को हम ओपन करेंगे और इसके पार्ट्स को केरोसिन में डिप कर देंगे ताकि जंग हट जाए। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होती तो हम मोटर रिप्लेस कर देंगे। पंप इशू से इतना ही। थैंक यू।